यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, ठीक है, मेरा जीवन में पहला रोल, रोल मतलब एक्टिंग। कौन सा चैप्टर है? 11th चैप्टर, येलो वाला बॉक्स में दिया हुआ। हैव यू एवर एक्टेड इन प्ले? प्ले मीन्स खेलना भी होता है, वो वर्ब होता है। नॉन यहाँ पर क्या है? नॉन दिया हुआ, तो प्ले मीन्स हो गया नाटक और ड्रामा, ठीक है। प्ले मीन्स यहाँ पर क्या है? नाटक। तो लिखा हुआ है हैव यू एवर एक्टेड इन ए प्ले, क्या आप एक नाटक में कभी एक्टिंग किए हैं? व्हेन एंड वेयर वाज इट, अगर किए हैं तो कब किए हैं और कहाँ? व्हाट रोल डिड यू प्ले, कौन सा रोल तुम प्ले निभाया? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लास के साथियों के साथ अपने अनुभवों को बांटें। लिखा हुआ आई वॉज इन क्लास 4 वेन आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन माई स्कूल, मैं चौथी कक्षा में था जब मैं अपने विद्यालय में अपना पहला स्टेज पर प्रदर्शन दिया, ठीक है ना, पहला पहला स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया। द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार, नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं श्रवण कुमार का किरदार निभा रहा था। द डायरेक्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। ये डायरेक्टर ही बताता है कि कैसे एक्टिंग करना, कैसे क्या करना। तो वो निर्देशक कौन था? डायरेक्टर 9वीं कक्षा का एक छात्र था और जो लिखे हैं लेखक वो 4थी कक्षा में। तो ये बचपन की कहानी है बता रहे हैं लेखक। द स्पेक्टिकल्स दैट ही वोर वर इनफ टू इम्प्रेस मी विद हिज कैपेबिलिटीज, चश्मा जो वो पहने हुए था वह अब उसकी योग्यताओं से मुझे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। चश्मा पहनने से लगता है कि सीरियस है, बहुत कुछ आता है उसको, ऐसे ही हम लोगों को जज करते हैं। तो जो 4थी कक्षा में जब लेखक थे तो उस लड़के से बहुत प्रभावित होते थे क्योंकि वो चश्मा पहने हुआ था। एट हिज कमांड ऑल ऑफ अस एक्टिंग इन द प्ले एंड ब्रॉड धोतीज एंड साड़ीज ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। उसके निर्देश पर हम सभी जो नाटक में काम कर रहे थे तो धोती लाए और अपनी माताओं और बहनों की साड़ी लाए, किस लिए? इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज, स्टेज को सजाने के लिए और बहता हुआ नदी का प्रभाव दिखाने के लिए। ए बकेट फुल ऑफ वाटर वॉज किप्ट एट द प्लेस वेयर श्रवण कुमार वेंट टू फेच वाटर फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स। तो ए बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी, ठीक है ना, एक बाल्टी पूरा पानी से भरा हुआ उस जगह पर रख दिया गया जहाँ श्रवण कुमार को अपने बूढ़े अंधे माता पिता के लिए पानी लाना था। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, दो लड़के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का किरदार निभाए। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल द टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज फेसिंग द ऑडियंस। तो उन सभी को मतलब श्रवण कुमार के माता पिता का जो किरदार निभा रहे थे दो लड़के, उनको तो उनको सब पूरे टाइम अपनी आंखें बंद करने का के लिए बोला गया था, ठीक है, निर्देशित किया गया था पूरे समय आंख बंद करने के लिए और स्टेज के सेंटर पे बीचों बीच साथ साथ बैठे रहने के लिए और अपना चेहरा श्रोतागण यानी दर्शक की ओर किए हुए। वन ऑफ देम बोधराज प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर वोर हिज मदर साड़ी द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी ए टाइम। तो उनमें से एक बोधराज जो माता जी का किरदार निभा रहा था वो अपनी माँ का साड़ी पहना जिसका आंचल, ठीक ना, जिसका आंचल कई बार 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 नीचे गिर जा रहा था क्योंकि उसको साड़ी पहनने की आदत नहीं था, इसलिए वो जो आंचल है सिर पर रखा हुआ वो बार बार खिसक के नीचे गिर जा रहा था। द कर्टन रोज, कर्टन में होता पर्दा, तो नाटक में पर्दा लगा हुआ था तो पर्दा ऊपर हुआ। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार वी आर वेरी थर्स्टी, आई टूक ए लोटा टच देयर फीट एंड वॉक्ड टुवार्ड्स द रिवर।
पर्दा ऊपर हुआ, अपने अंधे माता पिता के निर्देश को सुनकर क्या निर्देश दिया, बेटा श्रवण कुमार हम लोग बहुत प्यासे हैं। मैं आई टू के लोटा, मैं एक लोटा लिया और उनके माथ उनके पैर को छुआ और नदी की तरफ चल पड़ा। किंग दशरथ एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। राजा दशरथ पर्दे के पीछे से स्टेज पर प्रवेश लिया। He moved about and twisted his mustache. वे इधर उधर घूमे और अपने मूंछ को ट्विस्ट किया, ठीक है, मोड़े, जैसे शान से मोड़ते हैं बहुत सारे लोग जिनका मूंछ बहुत बड़ा रहता है, तो उसी तरह वो मोड़े, ताव दिए। On hearing some sound, he took out an arrow from the quiver on his back and exclaimed, "Which animal is polluting the river water?" ठीक है, कुछ शोर को सुनकर, ठीक है, कुछ आवाज को सुनकर वे तरकस से अपनी पीठ पर के तरकस से एक तीर को निकाले और चिल्लाए, "Which animal is polluting the river water?" कौन जानवर नदी के पानी को प्रदूषित कर रहा है? कीवर बोलते तरकस, जिसमें तीर रखा जाता उसी को। आई सॉ द एरो गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द रूफ एंड आई फील फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने तीर को छत की तरफ सीधे जाते हुए देखा, क्योंकि जो राजा दशरथ का किरदार निभा रहा था तो उसे तीर मारने में गलती हो गया और तीर लेखक जो किरदार निभा रहे थे किसका, श्रवण कुमार का, तो उनके छाती में नहीं लगा। आई फील फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग। मैं स्टेज पर सीधे गिर गया और ना चिल्लाने लगा, ओ क्रूअल व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू। ओ क्रूर आदमी, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया था। व्हाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माय बुजम, तुमने मेरी छाती में क्यों तीर मार दिए। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया। रेस्ट यू शॉट मी व्हाइल फेचिंग वाटर, दुष्ट आदमी तुमने मुझे तीर मार दिया जब मैं पानी ले रहा था। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया, ये जो तीर लिए हुए वो राजा दशरथ है, जो गिरे हुए हैं वो लेखक है जो श्रवण कुमार का किरदार निभा रहे हैं। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टंड द ऑडियंस इन द हॉल, ठीक है, मेरी आवाज की उच्च आवृत्ति हॉल में उपस्थित दर्शकों को चौंका दी। आई किप्ट सिंगिंग अनइंटरप्टेडली बट द सॉन्ग वॉज सो लॉन्ग डैट इट सिम्ड देर वॉज नो एंड। मैं बिना रुके गाना जारी रखा लेकिन गीत इतना लंबा लग रहा था जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मीनवाइल किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैच्यू विद वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक। उस वक्त कब, जब लेखक यानी जब श्रवण कुमार गाए जा रहे थे बोले जा रहे थे, तो उस वक्त तो मीन वाल उसी वक्त राजा दशरथ एक मूर्ति की तरह खड़े रहे, अपना एक पैर आगे कर और दूसरा पीछे। ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, वे मेरे गीत का खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हिज बॉ फेसिंग मी, उनका धनुष मेरी ओर था। इफ ही हैड शॉट अनदर एरो फ्रॉम हिज क्यूवर इट वुड हैव corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow which he had already done. ठीक है, अगर वे अपने तरकस से दूसरा तीर मारते तो वे अपनी पहले की गई गलती को सुधार सकते थे, लेकिन निर्देशक ने उनको सिर्फ एक ही तीर मारने के लिए निर्देशित किया था जो वो पहले ही कर चुके थे, इसलिए राजा दशरथ दूसरा तीर नहीं मार सकते थे, इसलिए दूसरा तीर नहीं मारा। आई हैड हार्डली संग हाफ द सॉन्ग व्हेन माय वॉइस वेंट होर्स, मैं मुश्किल से अभी आधा गीत गाया था कि मेरा जो आवाज है वो कर्कश हो गया, ठीक है, उनका गला क्या बैठने लगा। आई कुड सी द ऑडियंस लाफिंग, मैं श्रोतागण को मैं दर्शकों को हंसते हुए देख सका।
The blind parents of Shravan Kumar were finding it difficult to keep their eyes closed. श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को बहुत ही कठिनाई हो रहा था अपनी आंखों को बंद करने में. Sometimes one and sometimes the other would open their eyes. कभी पहला तो कभी दूसरा अपनी आंखों को खोल देते थे. On seeing this, the audience started giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." इसको देखकर दर्शक खिलखिलाने लगे और बोले, "देखो, वह फिर से अपनी आंखें खोला है. देखो, वह फिर से अपनी आंखें खोला है." Suddenly, the audience burst out laughing when they saw the pallu of the sari falling down from the head of Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. अचानक सडनली में सोता अचानक अचानक दर्शक जोर जोर से हंसने लगे जब वे देखे कि साड़ी का पल्लू बोधराज के सिर से गिर रहा जो श्रवण कुमार के अंधे माता जी का किरदार निभा रहा था. द सेवन हेड ऑफ बोधराज बिकेम विजिबल. ठीक है, बोधराज का जो टकला था वो स्पष्ट दिखाई पड़ गया. आफ्टर अ वाइल व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वाज सीन opening his eyes, somebody in the audience shouted, "Look, look again, he can see." कुछ देर के बाद जब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता में से एक जब अपनी आंखें खोलते हुए दिखाई पड़े तो दर्शकों में से किसी ने चिल्लाया, "देखो, देखो, फिर से वह देख सकता है." Time and again, laughter arose in the hall and noise of clapping could be heard. Time and again means बार बार. बार बार हॉल में हंसी बढ़ने लगे. एंड नॉइज ऑफ क्लैपिंग कुड बी हर्ड, और ताली बजाने की शोर सुनाई पड़ सकता था. देन आई स्टॉप्ड सिंगिंग एंड एक्टेड एज इफ डाइंग इन पेन. तब मैं गाना बंद किया और दर्द से मरने का नाटक किया. ठीक है ना, नाटक किया जैसे मैं दर्द से मर रहा हूँ. द हॉल अप्लॉडेड विद क्लैपिंग. ठीक है, तालियों से हॉल के हॉल प्रशंसा किया. वन टीचर ऑफ माई क्लास हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस टोल्ड माई ब्रदर बलराज, "लुक वॉट योर ब्रदर इज डूइंग." तो मेरी क्लास के एक शिक्षक जो दर्शकों में उपस्थित थे वे मेरे भाई बलराज से बोले, "देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है." आफ्टर माई डेथ एज श्रवण कुमार ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो. ठीक है, श्रवण कुमार के रूप में मेरी मृत्यु के बाद कुछ और डायलॉग ठीक है बोले जाने थे. किंग दशरथ स्पीकिंग टू माय ओल्ड पेरेंट्स एंड द ओल्ड पेरेंट्स कर्सिंग द किंग. राजा दशरथ मेरे बूढ़े माता पिता से बोल रहे थे और बूढ़े माता पिता ठीक है राजा को श्राप दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे. बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप. लेकिन मैं सब कुछ भूल गया और तुरंत खड़ा हो गया. द ऑडियंस बर्स्ट इन टू पेल्स ऑफ लाफ्टर. दर्शक टीना जोर जोर से हंसने लगे. समबडी टॉन्टेड, कीप लाइंग कीप लाइंग. किसने ठीक ना टॉन्ट किया, किसने बोला पड़े रहो उठो नहीं उठो नहीं पड़े रहो. बट आई गॉट सो कन्फ्यूज दैट आई डिडंट नो वॉट टू डू. लेकिन मैं इतना असमंजस्य की स्थिति में पड़ गया यानी इतना कंफ्यूज हो गया कि मैं मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. आई अगेन लेट डाउन, मैं फिर से पड़ गया ठीक है, मैं फिर से लेट गया. दिस लीड टू क्लैपिंग विच डिडंट सीम टू एंड. अब इसके बाद तालियां बजने लगे जो खत्म नहीं होती प्रतीत हो रहे थे. विस्लिंग क्लैपिंग एंड लाफ्टर एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम. सीटी बजाने के बाद तालियों के बाद और हंसने की आवाज और विभिन्न प्रकार की आवाजें एक लंबे समय तक आना जारी रही. कहाँ, स्टेज पर. दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ. यह मेरे जीवन का पहला रोल था.